हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या मानव स्पर्म से कोई जानवर प्रेग्नेंट हो सकता है? अगर हाँ तो जरा सोचो वो बच्चा आखिर दिखेगा कैसे। क्या ये क्रिश 3 के किसी मानवर की तरह दिखेगा? और अगर हाँ तो कितना कूल होगा, है ना? लेकिन अब उसके लिए थोड़ा सा वेट करो और इस सवाल का जवाब दो। क्या आप भी मरे हुए लोगों से वापस मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हो ना, तो टिकट करा लो साउथ कोरिया के टीवी शो की, जहां आपको अपने मृत परिवार वालों से एक बार फिर से मिलने का मौका मिल जाएगा। और ये क्या भाई, पानी के अंदर ये कौन सी मीटिंग हो रही है, वो भी पूरे 30 मिनट के लिए? बस यार, और कितना सहूं मैं। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये लोग? Well, अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और करते हैं इन सारे फैक्ट्स का खुलासा इन आवर टुडेज फैक्ट की बातें। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। एक्चुअली ये एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैक्ट है, जहां आप घर बैठे डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो बिना टेंशन के। अब फ्रेंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ माना जाता है। अगर बात हो डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की तो बात ही कुछ और है। हम हमेशा देखते हैं सोने का दाम बढ़ता और घटते रहता है, बट लॉन्ग टर्म में सोने ने हमेशा बेस्ट रिटर्न दिए हैं। और इन्फ्लेशन आ जाए तो भी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपस्टॉक्स गोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने डिजिटल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अपस्टॉक्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इजी और सिक्योर ऐप है, जहां पर लगभग 30 लाख से ज्यादा कस्टमर्स भी है। सिक्योरिटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 100% सिक्योर्ड वॉल्ट्स है, जहां आप अपने डिजिटल गोल्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। और तो और, यहां पर 24/7 आप जब चाहे तब अपना गोल्ड खरीद या बेच भी सकते हैं, बस अपने मोबाइल ऐप से, वो भी लाइव मार्केट रेट पर। अपस्टॉक्स गोल्ड पर आपको मिलता है 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड, जिस पर आपको देना होता है बस सिर्फ 3% GST। यहाँ पर कोई 5 या 8% मेकिंग चार्जेस नहीं देने होते। यूजुअली हम ज्वेलर्स को फिजिकल गोल्ड खरीदते वक्त देते हैं। इस समय चल रहे ऑफर में आपका ओपनिंग अकाउंट बनेगा एकदम फ्री। इसी वक्त अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट का शुभारंभ कीजिए। फ्री ई गोल्ड वर्थ ₹51 पाकर ऑन सक्सेसफुल साइन अप। डाउनलोड अपस्टॉक गोल्ड, ओपन योर फ्री अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड टुडे। नंबर 1, मरे हुए लोगों से मिलन। क्या आप जानते हैं साउथ कोरिया के पास एक ऐसी खतरनाक तरकीब है जो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर देती है? अब ये सुनके मे बी आप पूछो, हाउ इज दिस पॉसिबल? वेल, लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के मीटिंग यू टीवी शो में आप वाकई में आपके दिल के करीब स्वर्गवासी लोगों को फिर से देखते और बात करते हुए दिखाई देते हो। ये करने के लिए ये टीवी शो वाले ज्यादा कुछ नहीं बल्कि आपके सर में अपने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस और हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं, एंड बूम, ये रहा आपके मरे हुए लोगों से आपका दोबारा मिलन। पर एक मिनट, VR से ऐसा कैसे हो गया? I mean, हम कैसे मरे हुए लोगों की सेम टू सेम वही आवाज और एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं? तो well, इसका श्रेय शो के इंजीनियर्स को जाता है, जो कि एक इल्यूजन या फिर मैं कहूं एक वर्चुअल इंसान को क्रिएट करते हैं, जो मरे हुए इंसान की पुरानी फोटोज और वॉइस रिकॉर्डिंग से बिल्कुल मैच करता है। एंड इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है ये मां जैंग जी सोंग, जो अपनी मरी हुई 7 साल की बेटी को दोबारा मिलने के लिए इस टीवी शो के पास पहुंची। एंड ये देखो उसका मिलन अपनी स्वर्गवासी बेटी के साथ। एंड ये शो वाकई में काफी इमोशनल होता है, इसे देखकर सभी का दिल भर आता है। नंबर 2, मकड़ियों का मेटिंग गिफ्ट। दोस्तों, क्या आपको बताया कि स्पाइडर्स भी इंसानों की तरह अपनी महबूबा को गिफ्ट देते हैं? वो क्यों? तो दरअसल बात यह है कि मेल स्पाइडर्स मेटिंग के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आती है एक प्रॉब्लम। वो ये है कि फीमेल स्पाइडर्स मेल स्पाइडर्स को मेटिंग के बाद खच खच करके खा जाते हैं, और तभी तो अपने इस दर्दनाक मौत के खौफ से बचने के लिए मेल स्पाइडर्स ने गजब तरकीब निकाली। और वो तरकीब है फीमेल स्पाइडर्स को गिफ्ट देना और फिर धीरे से अपना प्राइवेट बिजनेस करके निकल जाना। समझ रहे हो? लेकिन उस गिफ्ट में ऐसा क्या होता है जो फीमेल स्पाइडर्स अपने पसंदीदा भोजन, जो कि मेल स्पाइडर्स है, उन्हें खाना भूलकर गिफ्ट खोलने में मगन हो जाती है? तो वेल, ये चलाक मेल स्पाइडर से कचरे का टुकड़ा, छोटे कीड़े की हड्डी और एक सूखा पत्ता को अपने जाले से गिफ्ट रैप करके अपनी महबूबा को देते हैं। और जब तक इनकी महबूबा इस रैपर को खोलती है, तब तक मेल स्पाइडर्स अपना काम कर चुके होते हैं। बहुत बड़े ठरकी निकले ये लोग तो। नंबर 3, हाजिरी कोड। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, अरे जल्दी करो, कहीं आपकी अटेंडेंस ना छूट जाए, क्योंकि अब आपकी जगह पर प्रेजेंट टीचर बोलने वाला कोई नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ मलेशिया यूनिवर्सिटी वाले छात्रों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी ने तो जैसे इनकी वाट लगा के रखी है। क्योंकि भाई, मलेशिया यूनिवर्सिटी वालों ने सीधा बारकोड स्कैनर लगवा दिया है, वो भी क्लास के प्रोजेक्ट स्क्रीन पर, जिसे हर एक स्टूडेंट को अपने ही फोन से स्कैन करना पड़ेगा और तब जाकर उसको अटेंडेंस मिलेगा। और हाँ, ये बारकोड बस थोड़े से टाइम के लिए होता है, जिसको उसी टाइम के अंदर स्कैन किया तो ठीक है, वरना आप सीधा अटेंडेंस से बाहर। हद है, मतलब कोई भी बच्चा लेट भी नहीं आ सकता और बंक भी नहीं मार सकता। और आई नो सभी इंडियन लोग तो यही सोच रहे होंगे, अच्छा है मलेशिया में नहीं। नंबर 4, पानी के अंदर मीटिंग। वो
ऐसा क्या हो गया कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को पानी के अंदर मीटिंग रखना पड़ गया? मतलब कितना अजीब है ना। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा वाला मकसद है फ्रेंड्स, और इसीलिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने ये मीटिंग रखी, वो भी समुद्र के 6 मीटर नीचे। अब हमसे तो पानी के 5 मिनट अंदर भी सांस न लिया जा सके, पर इन्होंने तो पानी में पूरे 30 मिनट की मीटिंग रख डाली, एंड वो भी विद अलग अलग कंट्रीज के 11 मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ। ये लोग तो भाई मस्त रेडी वेडी होके ब्लैक डाइविंग सूट और मास्क पहन के पानी में घुसे, बस इसके लिए ताकि एक ऐसी मीटिंग रख सके जिससे कि उन सारे देशों को सीख दे सके जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार थे। और इसीलिए तो प्रेसिडेंट ने हर कंट्री के मिनिस्टर से डॉक्यूमेंट्स पर साइन लिया ताकि दिसंबर में होने वाले यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉपेनहेगन से पहले पहले हर कंट्री के कार्बन एमिशंस कट या फिर कम कर दिए जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। एंड बाय द वे आई एम श्योर आप वंडर कर रहे होंगे लोगों ने पानी में साइन कैसे किया, तो इसके लिए इन्होंने वाटरप्रूफ पेंसिल्स और व्हाइट प्लास्टिक बोर्ड्स का यूज किया। स्मार्ट राइट। नंबर 5, उल्लू ने उल्लू बना दिया। अब जरा इस उल्लू को देखो, कभी देखा है इसे ऐसे मस्त मंडी वंडी डाल के बैठे हुए? ऐसा लग रहा है मस्त सुखासन वाला योगा कर रहा हो। वेल, इतना मत सोचो दोस्तों, क्योंकि ये उल्लू आपको उल्लू बना रहा है। ये ऐसे क्रॉस लेग्ड कभी बैठ ही नहीं सकता, और इसकी वजह ये है कि इनकी टांगे कभी इस पोज में बैठने के लिए ऐसे मुड़ ही नहीं सकती। तो भाई फिर हम ये देख क्या रहे हैं? क्या ये कोई नजरों का धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन? वेल बिल्कुल, ये नजरों का धोखा ही है। जरा ध्यान से देखो, ये इनके पंख और फर का कमाल है जिसे देखकर आपको लग रहा है कि ये पलटी मार कर बैठा हुआ है। बाकी ये उल्लू तो अपने पिछले घुटनों पर बैठा हुआ है, तो कभी भी उल्लू को देखकर ऐसे उल्लू मत बन जाना, समझे? नंबर 6, बिना दिल वाला इंसान। अब फ्रेंड्स क्या आपको बताया, 55 साल के क्रेग लीविस दुनिया के पहले वो इंसान थे जो बिना दिल और दिल की धड़कन के भी जी चुके हैं। हाँ, बिना दिल के। और ये बात है 2011 की, जब इनका दिल एक कंटीन्यूअस फ्लो नाम की मशीन से रिप्लेस किया गया था, जिसकी वजह थी इनकी एमिलॉयडोसिस नाम की बीमारी जो इंसान के ऑर्गन्स को खराब कर देती है। इनफैक्ट क्रेग लीविस के तो तीनों ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी और हार्ट खराब हो गए थे, और डॉक्टर्स का तो ये कहना था उनके पास सिर्फ 12 घंटे ही बचे थे जीने के लिए। तभी डॉक्टर बिली कॉन, अ सीनियर सर्जन ऑफ टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट, ने क्रेग के हार्ट को रिप्लेस करके दो नलियों जैसी दिखने वाली टाइटेनियम एलॉय से बनी मशीन लगाई। जिसमें से लेफ्ट वाली नली से ब्लड फ्लो हो सके जैसा एक रियल दिल करता है। और इसे फिट करने के बाद क्रेग लीविस की हार्ट बीट की जगह पे हल्की हल्की गुनगुनाने वाली आवाज सुनाई देने लगी, और वो फिर से जीने लगा। पर ये जीना जीना सिर्फ कुछ ही दिनों तक चला। एंड नो, डोंट ब्लेम द मशीन, क्योंकि मशीन तो हार्ट का काम कर रही थी पर लिवर और किडनी ने उनका साथ छोड़ दिया, और बस 5 हफ्तों के बाद वो चल बसे। नंबर 7, निकोला टेस्ला का मसक्कली प्यार। अब हेलो, क्या आप जानते हो ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो एक मसक्कली का दीवाना था? और नहीं कोई टीवी सीरियल का नाम नहीं ले रहा, नहीं सोडम्ब कपूर के गाने का, ये तो भाई साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की कबूतरी है जो रोज फड़फड़ाते हुए उनके घर में घुस जाती थी, जिसे टेस्ला जी को बहुत ही मोहब्बत हो गई थी, और वो रोज उसे प्यार से दाने खिलाते थे। पर अचानक से 1922 में वो कबूतरी उड़ के फड़फड़ाते हुए टेस्ला जी के घर पे आई, ये बताने के लिए कि वो स्वर्ग से धारने वाली है। तभी मरते मरते उस सफेद कबूतरी के आंखों की सफेद प्रकाश वाली तेज देखकर टेस्ला जी भौचक्के रह गए। उनको ये लगने लगा कि उनके इलेक्ट्रिकल मशीन की तेज भी उस रोशनी के आगे कुछ नहीं है। और आपको बता दूं, टेस्ला जी को एक ऐसी बीमारी थी कि वो जिस भी चीज से ऑब्सेस्ड होते थे उसे खोना किसी भी हाल में नहीं चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सफेद रंग वाली सुंदर कबूतरी को खो दिया, और तब उन्होंने ये कहा, आई लव दैट पिजन एज अ मैन लव्स अ वुमन, एंड She loved me. As long as I had her in my life, there was a purpose to my life. मतलब किसने सोचा था कि टेस्ला जी की महबूबा एक कबूतरी हो सकती है। नंबर 8, सावधान, हैलीज कॉमेट आ रहा है धरती पर। अब फ्रेंड्स, एक वक्त था जब आसमान से टपके एक जहरीले हैलीज कॉमेट मतलब पटल धूमकेतु ने धरती पर हाहाकार मचा दिया था।
मैं समझाता हूँ। दरअसल हैलीज कॉमेट धरती पर सिर्फ और सिर्फ 75 से 79 ईयर्स में ही एक बार प्रकट होती है और ये 238 किलोमीटर तक के लोगों को यूं जला के रख देती है। एंड तभी तो सन 1910 में जब ये कॉमेट धरती से लगभग 23 किलोमीटर दूर था, तभी लोगों के अंदर एक खौफ सा जमा हो गया था। और तो और वहां के एक साइंटिस्ट कैमिल फ्लेमेरियन ने भी लोगों के अंदर की खौफ और बढ़ा दी। ये खबर कह के कि हैलीज कॉमेट की लंबी पूंछ से जहर से भरा हुआ सियानोजन गैस निकलने वाला है जो कि इंसानी जीवन ही धरती से खत्म कर देगा। पर बेटा इनकी बात पे लोगों ने इतना यकीन कर लिया कि उन्होंने सीधा गैस मास्क और एंटी कॉमेट पिल्स लेने के लिए दुकानों में लूटपाट मचा दी और अपने अपने घरों को लॉक कर दिया ताकि ये जहरीली गैस उन तक ना पहुंच सके। हद है, पर सब कुछ गुड़ गोबर हो गया जब पता चला कि ये तो धरती के पास से होकर निकल गया और कोई जहरीली गैस तो आई नहीं। और इससे शायद लोगों को ये पता चला कि हमेशा साइंटिस्टों की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नंबर 9, रबर डक्स। अब आलोक, ऐसा क्या हुआ कि 28,000 डक से भरा हुआ कंटेनर पानी में ऐसे घूम गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला? ये क्या है भाई? तो दोस्तों ये बात है साल 1992 की, जब कंटेनर शिप में 28,000 डक यानी कि बतख को भर के हांगकांग से यूएस तक सप्लाई किया जा रहा था कि तभी ओशन में ऐसी जोर की आंधी, लहर और बवंडर आई कि शिप कंटेनर से सारी डक ओशन में उलट पलट गई। और आप बिलीव नहीं करोगे पर इस आंधी के बाद पता चला कुछ डक हवाई में मिले तो कुछ डक अलास्का में, कुछ डक साउथ अमेरिका में मिले तो कुछ डक ऑस्ट्रेलिया में और कुछ पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के समुद्र के किनारे पर मिले। एंड यहाँ तक कुछ आर्कटिक के आइस के बर्फ में जमे हुए तक मिले। और आप यकीन नहीं करोगे पर वो डक अभी तक कहीं ना कहीं किसी को समुद्र के किनारे पर मिल ही जाते हैं 20 सालों बाद भी। कहां से कहां पहुंच गए? इसीलिए कहता हूं प्लास्टिक हटाओ और पर्यावरण को बचाओ। नंबर 10, मानव का स्पर्म। अब आलोक बारी है एक मानवर क्रिएट करने की, चलो शुरू करते हैं। पहले एक इंसान के स्पर्म को एक अंडे में डाल के एक मुर्ग सान बनाने की। ये देखो, ऐसे स्पर्म को लिया और अंडे में इंजेक्ट कर लिया और इसे पैक करके 12 दिनों के लिए रख दिया। 3 weeks later। अब इससे पहले हम इसका रिजल्ट देखें, चलो जान लेते हैं कि क्या ऐसे मानवर बनना साइंटिफिकली पॉसिबल है। तो वेल फ्रेंड्स, बात यह है ना कि मानव के स्पर्म की क्वालिटी और जानवर की स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही अलग होती है। सबसे पहले बात तो यह है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए के गुच्छे होते हैं जो हमारे बॉडी को बताते हैं कि हमें कैसा दिखना है और कैसा बनना है और कैसा फंक्शन करना है। काइंड ऑफ जैसे कोई भी अप्लायंस के साथ उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। सो फॉर एग्जांपल, हम इंसानों के 46 क्रोमोसोम्स है जो हमारे बॉडी को बताएगा कि हमें दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, एक नाक मिलनी चाहिए एटसेट्रा। लेकिन एक चिकन में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं जो उसके बॉडी को बताएगा कि उसे दो टहनी जैसी टांगे, दो विंग्स, एक चोंच और ढेर सारे फेदर्स देने चाहिए। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ऐसे हो जाएगा कि मैंने समझो एक कंप्यूटर बनाने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिया और एक में भी माइक्रोवेव का मैनुअल लिया। और अब अगर इन दोनों का इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं एक मशीन बनाऊं तो क्या मुझे एक ऐसा कंप्यूटर मिलेगा जो खाना पका सकता है? कुछ भी नहीं ना। मुझे अगर कुछ मिलेगा तो वह एक कूड़े का ढेर। और बस वही होगा इस इंसान और मुर्गी के फ्यूजन के केस में भी, हमें मिलेगा और कुछ नहीं बल्कि ये। इसीलिए भाई लोग अब समझे, मुर्गसान इज नॉट पॉसिबल। बट अरे अरे, कहां जा रहे हो? वेट, मुझे अपने घर जाना है। जाने से पहले इस सवाल का जवाब तो देके बताओ, पैर नहीं है पर चलती रहती है, दोनों हाथों से अपना मुंह पोछती रहती है? और इस सवाल का जवाब आप मुझे दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। सही जवाब देने वाले को मेरी तरफ से मिलेगा एक हार्ट। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। सी यू इन अनदर वन, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद गाइस। यू कैन ऑल्सो नाउ इजीली इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड थ्रू अपस्टॉक्स गोल्ड। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ओपन योर फ्री अकाउंट एंड ऑल्सो गेट ई गोल्ड वर्थ ₹51 ऑन अकाउंट ओपनिंग।